बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक और अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर। नाज़रीन, आप हमसे पूछते रहते हैं और हम आपको बताते रहते हैं। आपके सवालात हमारी रिसर्च का बायस भी बनते हैं और बेहतर से बेहतर वीडियोस करने का भी बायस बनते हैं। हम बार बार आपको हर जोडियक इवेंट के बारे में कोशिश करते हैं कि आपको जो है वो बताया जाए। इस वक्त वीनस सयारा जोहरा, इसकी पोजीशन जिसका हमने पहले भी कुछ वीडियोस में जिक्र किया है कि वो इतनी मजबूत हो गई है कि वो जोडियक साइंस में से 12 में से 5 स्टार को तो बहुत ही ज्यादा फेवर कर रही है, बाकियों को भी कर रही है लेकिन 5 स्टार्स को तो बहुत ज्यादा फेवर कर रही है। ये इल्म नजूम कोई जादुई इल्म नहीं है, कोई बाबा गिरी का या कोई बाबा गर्दी का इल्म नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई जिन मौकलात हैं। ये साइंस का एनर्जी का इल्म है ना, इट्स ए ब्रांच ऑफ क्वांटम फिजिक्स। इस वक्त जो इनकी वीनस जो है वो अपनी जो है वो कंबस्ट पोजीशन से निकल के अब डायरेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और जब ये डायरेक्ट होता है तो फिर ये चीजें इसकी बहुत ही अच्छी जाती हैं। 18 अगस्त 2023 को वीनस कैंसर में जो है वो दाखिल हो रहा है, और जब ये कैंसर में दाखिल होगा तो ये बाकी बोर्ड्स को बहुत ही ज्यादा तरक्की देगा, खास तौर पे उन 5 बोर्ड्स का जिनका मैं आगे जिक्र करने जा रहा हूं। जोहरा बेसिकली आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी रोमांटिक लाइफ को, आपके मुनाफा जात को, आपकी ख्वाहिशात को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी पर्सनैलिटी कैरियंग को, आपकी फैशन सेंस को, आपकी ड्रेस सेंस को, आपकी कम्युनिकेशन को जो है वो सपोर्ट करते हैं। इसलिए जोहरा के जो पॉजिटिव असरात हैं वो आपकी खुशकिस्मती और बरकत में इजाफा करते हैं। यानी बाद अवकात आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते लेकिन आपको उन पैसों का कोई ऐसा अच्छा यूज़ हो जाता है कि वो अच्छी जगह इन्वेस्ट हो जाते हैं, जहाँ से आपका एक नया स्टार्ट शुरू हो जाता है। ये वक्त मुसीबतों और परेशानियों से निकलने के लिए बड़ा अहम वक्त है। ज्यादातर स्टार्स के ऊपर इसके असरात अच्छे ही पड़ रहे हैं, कुछ के ऊपर मनफी भी पड़ेंगे लेकिन ज्यादातर जो है स्टार्स हैं उनके लिए ये बड़ी ही अच्छी सिचुएशन है। इनकी चीजें बड़ी बेहतरी की तरफ आ रही हैं। अब बात करते हैं जरा उन 5 लकी स्टार्स की जिनको जो है तवील परेशानियों से छुटकारा मिल रहा है, जिनका राइज बन रहा है, जिनके ऊपर अल्लाह बहुत मेहरबान है, जिनकी चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं। तो पहला है एरीज। एरीज का राजयोग भी बन गया, एरीज को सैटर्न सपोर्ट कर रहा है, इनको जोहल का एक्वेरियस में आना वो सपोर्ट कर रहा है। तो यानी 3-4 एस्पेक्ट्स जो हैं वो एरीज के लिए बेहतर हो गए हैं। तवील परेशानियों से बाहर आ जाएंगे, नए काम शुरू करने का वक्त है, दौलत और मुनाफा इनका बढ़ेगा, सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमतों में तरक्की मिलेगी, इनकी नई गाड़ियां, नए घर, लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। इसके अलावा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त और जायदाद की खरीदो फरोख्त यानी ऑटोमोबाइल्स और रियल इस्टेट में कामयाबी के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। ट्रैवलिंग इनकी बेहतर हो रही है, इमिग्रेशन इनकी जल्दी होने के चांसेस हैं, इनके ख़ानदानों में अमन रहेगा, इनके ख़ानदानों में मोहब्बत बढ़ेगी, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल कम हो जाएंगे, सेहत की परेशानियां हल हो जाएंगी। ओवरऑल इनके लिए बहुत ही शानदार टाइम है, ये वक्त ज़ाया करने का नहीं है, ये वक्त आगे बढ़ने का है, ये वक्त जो है वो ज़िंदगी गुजारने का है, खुल के जीने का है, कुछ काम करने का वक्त है। तो यकीन रखें कि जैसे ही ये जो है 18 अगस्त के बाद वीनस जो है वो आएगा ना कैंसर में, तो फिर आपके लिए बहुत ही शानदार जो है वो चीज़ें खुलती चली जाएंगी, हालात बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। दूसरा जो स्टार है जिनका कैरियर के लिए बड़ा शानदार वक्त आ गया वो है जेमिनी। जेमिनी के लिए कैरियर बहुत शानदार हो गया, मोहब्बत के मामलात में बड़ी खुशगवारी आ रही है, चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, बैरून मुल्क के सफ़र जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं, स्टडी के हवाले से कामयाबी मिल रही है, कारोबार के हवाले से चीज़ें बेहतर हो रही हैं,
इस वक्त कम कोशिशें फायदा ज्यादा इसकी चीज बन रही है। इसके अलावा आपके एसेट्स में इजाफा हो रहा है, जैसे मैंने अर्ज किया कि लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन बन रही हैं, घर गाड़ी ये पॉजिटिव मटीरियलिज्म जिसे हम टेक्निकली कहते हैं। सेहत के मसाइल इनके बड़ी तेजी से हल हो रहे हैं। इसके साथ जो है इनकी फैमिली अफेयर्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, मियाँ बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं। और इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चंद इंतहाई शानदार और इंतहाई जो है वो पॉजिटिव मोमेंट्स, यानी मोहब्बत के, फैमिली लाइफ के, बच्चों के साथ इंतहाई यादगार लम्हात आपकी ज़िंदगी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ सफ़र करने और अच्छा वक़्त गुजारने का मौका मिल सकता है। इस वक्त आपकी सैर सियाहत में इजाफा हो रहा है, इस वक्त आपके बिजनेसेस में इजाफा हो रहा है, इस वक्त सोशल सेक्टर आपको जो है वो मदद दे रहा है। तो ओवरऑल ये वक्त जेमिनी के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा स्टार जिसके ऊपर बहुत शानदार असर होने जा रहा है 18 अगस्त से शुरू होगा वो है वर्गो। वर्गो इनकी पर्सनल लाइफ और इनकी जो है प्रोफेशनल लाइफ दोनों में अरूज का वक्त आ गया है। माली फवायद मिल रहे हैं, कारोबार में इजाफा हो रहा है, तरक्की इनको मिल रही है, ऐसी मिल रही है कि जो इनकी सोच से भी बढ़ के है। इसके अलावा इनकी सेहत जो है वो बेहतर है, इनकी मोहब्बत के जो है वो मामलात बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस वक्त इनको अपनी मोहब्बत की हिफाजत करनी भी ज़रूरी है। मनफी ख्यालात, मनफी सोचें, मनफी ताल्लुका मोहब्बत में दराड़ें डाल सकते हैं। पॉजिटिव रहें, अल्लाह के नज़दीक रहें, बेहतरीन वक्त आएगा। इस वक्त ख़ास तौर पे वो लोग जिनको किसी मुकाबले का सामना था, खा वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, खा वो कोई ऐसा जो है कुछ स्पोर्ट्स में हो जिसमें इनको मुकाबला करना पड़ता है, किसी खेल में इंतहाई तरक्की करेंगे। स्पोर्ट्समैन के लिए तो ये वक्त इंतहाई शानदार बन रहा है, ख़ास तौर पे वर्गो में। चौथा स्टार जिनके ऊपर इस वक्त बहुत शानदार असरात आ रहे हैं, इनके लिए लक बड़ी शानदार हो गई है, वो है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए वन लाइनर ये है कि आगे बढ़ें और काम करें। इस वक्त आपकी ट्रैवलिंग बहुत अच्छी हो रही है, इस वक्त आपकी इमिग्रेशन बहुत अच्छी हो रही है, इस वक्त कोई नया वेंचर किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे मुल्क में लग सकता है। इस वक्त आपके रिश्ते आपके साथ मजबूत हो रहे हैं, अल्लाह ने मुखलिस लोग आपके साथ लगा दिए हैं। ख़ास तौर पे ट्रेडिंग में सरमाया बहुत बढ़ रहा है, ख़ानदानों के मसाइल बहुत अच्छे हो रहे हैं, सियासतदानों के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लाइफ स्टॉक के लोगों के लिए चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। इस वक्त जितना अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, जितना अपने ऊपर अपनी ज़ात के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, जितना अपनी अंदर की आवाज़ को सुन सकते हैं और जितना अल्लाह के साथ जुड़ सकते हैं जुड़ जाएं। ये वक्त कुछ कर गुजरने का है, इसको ज़ाया मत कीजिएगा। और पांचवा स्टार जिसके ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा असरात आ रहे हैं वो है पाइसिस। पाइसिस में ना चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस या थोड़ी सी ईगो भी आ जाती है, वो इनकी जो है ना वो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। वो मामला जो इनकी ईगो की वजह से कहीं हर्ट हो रहे थे वो ठीक हो जाएंगे। झगड़े खा घर के अंदर हों, बिजनेस में हों, इधर उधर हों, सोशल सेक्टर में हों, वो इनके तनाज़ियात बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। इस वक्त आपके बहन भाई आपका साथ देंगे, अच्छी खबरों का बायस बनेंगे, अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। क्रिएटिविटी आपके अरूज के ऊपर है, तरक्की के मौके आपके लिए खुले हुए, नए बिजनेस, नए वेंचर्स, नए ट्रैवल, रिलीजियस ट्रैवल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कोई ना कोई रूहानी सफ़र, उम्रा, ज़ियारात, हज तो खैर नहीं है अभी, उम्रा या ज़ियारात जो हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अब इनको सपोर्ट करेंगे। किसी रूहानी शख्सियत से इनको फैज़ मिल सकता है। सेहत इनकी बहुत अच्छी हो रही है, परेशानियों को दूर करने का वक्त है, अल्लाह के साथ जुड़ने का वक्त है, अपने आप को मजबूत रखने का वक्त है। अपने आप को जितना अल्लाह के करीब करेंगे, जितना अल्लाह के करीब करेंगे उतने ज़्यादा आप स्ट्रांग होते जाएंगे, जितना अपने आप को जो है वो मस्बत रखेंगे उतने ज़्यादा आप स्ट्रांग होते जाएंगे, जितना अपने आप को जो है वो डाउन टू अर्थ रखेंगे
उतने आप कामयाब होते जाएंगे। नादरीन, ये जो पांचों स्टार्स जिनका अहवाल मैंने आपको इस वीडियो में बयान किया है, ये बेशक मोस्ट ऑफ की बुनियाद के ऊपर किया जाता है, यानी ज़्यादातर लोगों के लिए यही जो है प्रेडिक्शंस और यही मालूमात जो है उनके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। लेकिन बाद अवकात कुछ लोगों के ऊपर नहीं भी होती, तो फिर उसके लिए हम आपको इनक्रेज करते हैं कि पर्सनल जायजे की तरफ आपको आना चाहिए। तो अगर आप पर्सनल जायजे की तरफ आना चाहें तो हमारा नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर हमसे कॉन्टेक्ट कर लें, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। इसके अलावा वो सारे लोग जो चैनल पर नए तशरीफ लाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सरकार खत्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार रहें। अल्लाह हाफिज़।